मैं हूं लवलेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे चैनल आस्क गुरु। और जैसा मैंने पिछला वीडियो डाला था एक, तो उसमें अपने भाइयों के लिए जल्दी शादी होने के लिए डाला था मैंने, तो उसमें काफ़ी मेरी बहनों ने कमेंट किया कि उनके लिए भी कुछ ऐसा बताएं जिससे उनके शादी में जो विलम्ब हो रहा है वो जल्दी हो जाए। तो उसके लिए मैं एक दो नहीं पूरे 20 उपाय आपको बताने वाला हूँ। और इस उपाय में से जब आप कुछ उपाय कर चुके हैं तो उसका ऐसा मतलब नहीं है कि आपको कोई भी उपाय वर्क नहीं करेगा। एक्चुअली क्या है, जितने मैं उपाय बता रहा हूँ वो अलग अलग ग्रह दिशा के अनुसार है। अभी भी आपको मालूम है कि हमारे कोई ग्रह में कौन से ग्रह की दिशा सही नहीं है, गुरु है या शुक्र है या शनि है, इनके कारण आपका मन नहीं हो पा रहा है, तो पर्टिकुलर आप उस उपाय को करेंगे तो जल्दी सफलता मिल जाएगी। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास नहीं है व्यवस्था पंडित को दिखाने के लिए, यदि आपको नहीं मालूम चल पा रहा है कि हमारा किस ग्रह के कारण प्रवाह विलंब हो पा रहा है, तो फिर आप एक एक उपाय करके देखते रहिए और हो सकता है इन्हीं में से कोई एक या दूसरा नंबर तीसरे नंबर का उपाय आपको करना सफलता दे दे और आपका विवाह का योग जल्दी बन जाए। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, वीडियो तो आपको अच्छा लगेगा ही तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारा एक छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो आज बात करते हैं उन 20 टोटकों के बारे में जिनको यूज करके कन्या की शादी में हो रहा है विलंब को समाप्त किया जा सकता है और उनके शादी के योग बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो उसमें हम सबसे पहला ले रहे हैं गुरुवार के दिन जो आपका रहता है, 21 गुरुवार तक एक चुटकी हल्दी पानी में डालकर स्नान करना चाहिए। इससे शादी के योग जल्दी बनते हैं, शादी के योग प्रबल होते हैं क्योंकि गुरु से जो भी आपकी अड़चनें आ रही होंगी वो दूर होती हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। और हल्दी चूँकि एंटीसेप्टिक होती है साइंटिफिक, तो वो भी आपको फ़ायदा करेगी। तो हल्दी इसमें आपको लेनी हो खाने वाली होती है जो पीसी हुई फॉर्म में आती है, पाउडर फॉर्म में, उसको एक चुटकी हल्दी 21 गुरुवार तक लगातार आप इससे यूज़ करें, इसको नहाएं इस पानी से, तो आपके शादी के योग प्रबल हो जाएंगे उससे। साथ में जो अगला हमारा है उसमें जो शादी के योग युवक या युवतियाँ खासकर अपने पास एक नए कपड़े रखें, मीन्स एक जोड़ी नया कपड़ा रखें, कुछ भी हो सकता है नए कपड़े में। और उससे क्या होता है, शादी के योग प्रबल होते हैं। और अब नेक्स्ट जो हमारा हम बात आपको बता रहे हैं बहुत अच्छा उपाय है, इसको कई लोगों ने यूज़ किया है और बहुत ज़्यादा मैंने फ़ायदा मिला है। उसमें आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन 225 ग्राम आटा लेके उसके 5 गोले बना लें, उसमें हल्दी थोड़ी सी, थोड़ा सा घी, गुड़, चना रख के गाय को खिलाएं और खिलाते वक्त जैसा भी आप लड़का चाहते हैं वो मनोकामना गाय के कान में बोल दें। और ध्यान रखें कि गाय सफ़ेद नहीं होना चाहिए, गाय का कलर जैसे आपका काला भी हो तो चलेगा, आपका गुलाबी हो या काला सफ़ेद मिक्स हो, लेकिन पूरी सफ़ेद नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और, थोड़ा सा सेफ्टी का भी ध्यान रखें कि गाय आपको मार ना दे। तो गाय आपकी यदि किसी की पालतू हो या ऐसी हो जो आप मारती ना हो तो ऐसी गाय का सेलेक्ट करें, नहीं तो इतना पास जाने से वो आपको मार भी सकती है उसके कान में। ऐसे यदि आप कुछ भी बोलते हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें उस समय। अब अगला हम टोटका ले रहे हैं, उसमें लेना है आपको शरीर पर हमेशा कोई ना कोई पीला वस्त्र जरूर पहन के रखें। पीला वस्त्र मीन्स आपके सूट भी हो सकता है, कुछ भी पहन सकते हैं आप, साड़ी पहन सकते हैं। और यदि आप चाहें तो एक मैं आपको बता रहा हूँ, पीला कपड़े यदि आप नहीं पहन पा रहे हैं पर डे, तो उसकी जगह आप एक पीला धागा या पीला कपड़ा का एक रुमाल हो या फीता हो या कोई भी करना मोटा सा धागा आप यूज़ कर सकते हैं, उसको अपने हाथ में सीधे हाथ की कलाई में बांध लें, तो ये हमेशा आपका पास रहेगा, हमेशा आपके साथ बना रहेगा। और ये इसको हर हफ्ते गुरुवार के दिन चेंज कर दिया करें, बदल दिया करें इस धागे को या इस कपड़े को। और इसके साथ हमारा अगला है जिसमें आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन, माने जो शुक्ल पक्ष का गुरुवार पड़ता है, उस दिन आप एक प्लेट में 5 मिठाई, कोई भी कलर की 5 मिठाई ले लें, साथ में 3 इलायची जो खाने वाली इलायची होती हैं वो वाली, 2 सुपारी जो खाने वाली सुपारी होती है वो छोटी गोल्स रहेगी, तो 2 सुपारी आपको लेना है साबुत, साथ में घी का दीपक लेकर सरोवर के किनारे जाकर पूजा करें, दीपक जलाएं और अपने शादी के जल्द होने के लिए प्रार्थना करें और अपने मनवांछित पति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें, तो आपको अपना मनवांछित पति भी मिलेगा, साथ में आपके शादी के योग प्रबल भी होंगे। एक हम को अलग अनोखा उपाय बता रहे हैं, इसको भी कई लड़कियों ने यूज़ किया है और काफ़ी जल्दी इनके योग प्रबल हुए हैं। इसमें होता है क्या है, आपको किसी भी रिश्तेदार की लड़की की जो शादी होती है, मीन्स आपके परिचित में, रिश्तेदार में, किसी के यहाँ भी लड़की की शादी हो रही हो, तो वहाँ जब मेहंदी की रस्म में ज़रूर शामिल हुई है वहाँ पर, और लड़कियों को दुल्हन के हाथों से मेहंदी अपने हाथ पर लगवाना चाहिए, मीन्स थोड़ा सा यदि आप दुल्हन से बोल दें कि वो लड़की के हाथ में थोड़ी सी कुछ भी एक टिप्पी लगा दे, बिंदी बना दे, कुछ भी बना दे, थोड़ी सी मेहंदी लगा दे एक शगुन के तौर पर,
तो उससे क्या होता है, लड़कियों के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और उनके शादी के योग भी जल्दी प्रबल होते हैं। तो जब भी आपके परिचित में कभी शादी हो रही है तो उनकी मेहंदी की रस्म जरूर शामिल हो, और थोड़ा निवेदन करें दुल्हन से कि वो आपके हाथों में मेहंदी लगा दे, तो उससे आपका बहुत जल्दी का नाम गुरु प्रसन्न होते हैं और शादी की जो भी आपकी रुकावटें आ रही हैं वो जल्दी दूर हो जाती हैं। अब अगला उपाय जो हम बता रहे हैं वो है, हर बुधवार को गणेश भगवान की पूजा करके सिंदूर रोरी चढ़ाएं और साथ में दीपक अगरबत्ती जलाएं, धूप घास और पीले रंग के लड्डू जरूर चढ़ाएं उनके लिए। और उस दिन आप उसमें नमक ना खाएं, कोशिश करें यदि नहीं बनता है तो आप फलाहारी नमक होता है जिसको सौंधा नमक बोलते हैं या व्रत वाला नमक बोलते हैं वो आप ग्रहण कर सकते हैं। और ध्यान रखें पूजा शुक्ल पक्ष से शुरू करें, जिसमें पक्ष में चंद्रमा पूरा दिखाई देता है शुक्ल पक्ष बोलते हैं, और वहाँ से आप पूजा शुरू करें तो निश्चित ही आपको बहुत जल्दी आपके शादी के योग प्रबल हो जाएंगे और मनोवांछित आपको पति की प्राप्ति होगी। और बस इसमें आपको ध्यान रखना है, यह पूजा आप शुक्ल पक्ष से शुरू करें और जब तक चाहें तब तक करते रहें, और उम्मीद होती है कि कोई भी पूजा आप मन से करेंगे तो आपका कभी भी फल बेकार नहीं जाएगा और बहुत अच्छे से अच्छा आपका विवाह तैयार मने आपकी तय हो जाएगा। अगला उपाय है, इसमें पूर्णिमा की रात को बरगद के चारों तरफ 108 चक्कर लगाने से शादी में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। मीन्स जब आपका 5 से 6 बजे के बाद जब जैसे शाम होना शुरू होती है तो आप पूर्णिमा की रात में बरगद के चारों ओर 108 चक्कर लगाएं। और साथ में एक अगला उपाय है जिसमें एक गमले में पीपल का छोटा सा पौधा लगाएं और पीपल के पौधे को हर दिन पानी दें, अगरबत्ती दिखाएं, और यह पूजा शुक्ल पक्ष से ही शुरू करें। और प्रतिदिन आपको पीपल का माने जो पौधा है वो उसको छूना नहीं है, वो आप सिर्फ शनिवार को छू सकते हैं, बाकी अन्य दिनों में आप सिर्फ दूर से ही आप पूजा करें, अगरबत्ती दिखाएं। और जब यह थोड़ा सा बड़ा होने लगे तो इसको किसी हाईवे के किनारे या किसी पार्क में आप इसको स्थापित करें। जैसे एक मैंने अपने परिचित के लिए उनकी लड़की का व्यवहार नहीं हो पा रहा था तो यही पीपल का टोटका मैंने उनको बताया था, तो उनको बड़ी जल्दी हुआ था। और उन्हों को मैंने एक चीज़ और बोला था, 11-12 पीपल जो होते हैं, 11 पीपल मैंने उनसे बोला था कि आप किसी भी पार्क में या हाईवे के किनारे आप ले जा के लगाएं और एक छोटा सा उस पर कुछ बाउंड बने जाली वगैरह भी लगा दें जिससे उनका विकास भी हो सके। तो उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने पीपल के पेड़ को लगाया और कभी कभी वो पानी भी डालने जाते थे, पास के हाईवे पे उन्होंने लगाया था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, करीबन 5 से 7 महीने में उनकी बच्ची का बहुत अच्छा व्यवहार तैयार हुआ और आज बड़ी खुश आराम से रह रही है। अब अगला उपाय है, आप ऐसे कमरे में रहें जहाँ दिन भर प्राकृतिक रोशनी आती हो, और कमरे का रंग उदास नहीं होना चाहिए, मीन्स आपका ग्रे कलर ना हो, ब्लू ना हो, ऐसा कलर ना हो, आप ऐसे पिंक है, वाइट है, या आपका माने येलो है, लाइट येलो है, ऐसे कलर के अच्छे माने और रोशनी भरे कमरे में आप रहें तो शादी के प्रबल होते हैं। और जो सीलन वाले और वैसे होते हैं जो कमरे के उदास होते हैं, अस्त व्यस्त होते हैं, वहाँ से भी कई दोष पैदा होते हैं, शादी में विलम्ब के दोष पैदा होते हैं। यदि शुक्र दोष के कारण यदि कोई भी शादी में बाधाएँ आती हैं तो उसके लिए लड़की को सफ़ेद कपड़े शुक्रवार के दिन पहनने चाहिए और पीले कपड़े गुरुवार के दिन। ध्यान रख, शुक्रवार को सफ़ेद कपड़े पहनने से शुक्र दोष की शांति होती है और गुरुवार को पीले कपड़े पहनने से गुरु दोष की शांति होती है। और दोनों दिन यदि शुक्रवार को सफ़ेद और गुरुवार को पीले कपड़े हम धारण करते हैं तो इससे दोनों ग्रह आपके फेवर में रहेंगे और शादी के योग बहुत जल्दी प्रबल होते हैं। और हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छा एक उपाय है वो हम आपको बता रहे हैं, जब भी कोई लड़का वाले आपके यहाँ शादी की बात करने आए, जब भी माने बात चले या लड़की को देखने के लिए आते हैं तो उनको इस तरह से बैठाएं कि आए हुए लोगों को आपका मेन गेट ना दिखाई दे, मीन्स उनकी पीठ हो, साइड का पोस्टर हो, उनको इजीली मेन गेट का दरवाज़ा बाहर की तरफ ना देख सकें वो। इसके वास्तु कारण भी काफ़ी होते हैं और साइकोलॉजिकल कारण भी काफ़ी होते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल भी कारण होते हैं, तो जिसके बारे में कभी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे ये बस यही ध्यान रखिए कि वो मेन गेट ना देखें और सिर्फ आप उनका ध्यान लड़की की तरफ हो, आप लोगों की तरफ हो, तो इसमें बड़ी जल्दी शादी का रास्ता तय हो जाता है। और यदि लड़का और लड़की मिलने के बाद कई बार शादी के योग ना बन रहे हो, लड़के वाले आ रहे हैं और लड़की के साथ मिलवाया जाता है और फिर उसके बाद ना हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप अब जब भी आपके पास लड़के वाले आएँ तो लड़का लड़की जब भी मिलवाए जाएँ तो उन्हें दक्षिण दिशा में बैठाएँ, मीन्स घर का जो भी दक्षिण वाला कमरा हो वहाँ पर आप उनको बैठाएँ, उनको बात करने के लिए जो जगह देते हैं थोड़ा सा तो आप वहाँ पर दें। और यदि उनको बैठाया जा रहा है, सब लड़की दिखाने के लिए बैठा रहे हैं, यदि हम बात करने के लिए अलग से नहीं भेजते हैं
तो लड़की को और लड़के को दक्षिण कमरे के दक्षिण की तरफ बैठा लेके उनको एक दूसरे को दिखा सकते हैं, तो उससे भी शादी के योग जल्दी प्रबल होते हैं। और साथ में जो शादी के योग लड़कियां होती हैं, उनके पलंग के नीचे कोई भी कबाड़ वगैरह नहीं रखना चाहिए, नहीं तो इससे भी शादी में विलंब आता है। तो यदि पलंग के नीचे कोई कबाड़ वगैरह है तो उसको तुरंत हटा दें। और लड़कियां जो होती हैं वो तुलसी के पौधे और केले के पौधे के पास हर दिन शाम को घी का दीपक जलाएं। यदि घी का दीपक गाय का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाकी आप जो भी आपके पास घी अवेलेबल है आप उसी का घी का दीपक जला सकते हैं। और जब भी लड़के वाली लड़की को देखने आते हैं तो आप लड़की को लाल रंग के जरूर कपड़े जरूर पहनाएं, इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और विवाह जल्दी तय होता है। ये आप जरूर देख लेना, जब भी आप नेक्स्ट टाइम कभी भी लड़की को दिखा रहे हो तो लाल कपड़े, लाल माने आपका सूट हो, जो भी कपड़े लाल होंगे तो उससे बहुत जल्दी आपके विवाह के योग बनेंगे। यदि लड़की की शादी में अभी भी रुकावट आ रही है तो आप सिर्फ 5 नारियल लीजिए और भगवान शिव जी के सामने रखिए, मंदिर में रखें सामने, या अपने घर के भगवान शिव जी की फ़ोटो वहाँ रख सकते हैं और उच्चारण करें मंत्र का, ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः। आप एक बार फिर से सुन लें, ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः मंत्र का जो 5 माला जाप करें और वो फिर सारे नारियल शिव जी के मंदिर में चढ़ा दें। और यदि आपके आसपास शिव जी का मंदिर है तो आप ये ना पूजा वहीं पर करके और नारियल को वहीं छोड़ सकते हैं, तो इससे भी शादी की सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। और प्रतिदिन आप सूर्य को जल चढ़ाएं, जल चढ़ाते समय ओम सूर्य नमः का जाप करें, इससे आपके योग शादी के प्रबल होते हैं। और हर दिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप रुद्राक्ष की माला से करें, तो इससे भी आपके शादी के जो भी का नाम विघ्न है वो खत्म होके शादी के योग जल्दी बनते हैं। और कुंडली में यदि मंगल दोष के कारण शादी में विलम्ब हो रहा है तो चांदी का चौकोर टुकड़ा सदैव अपने पास रखें, शादी में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। और साथ में एक लास्ट उपाय है जो हम आपको बताते हैं, एक 16 सोमवार का व्रत होता है जिसकी एक कथा भी होती है छोटी सी, आपको हर जगह का जो भी आपके रामायण या जो भी आपकी पुस्तक धार्मिक पुस्तकें बेचते हैं वहाँ से आपको पुस्तक मिल जाएगी, 5, 7 या 10 रुपए की आती है। तो अब वो 16 सोमवार की जो व्रत कहानी होती है उसको जरूर पढ़ें और साथ में 16 सोमवार का जो व्रत होता है उसको करके उसका उद्यापन करते हैं, तो निश्चित ही सारी बाधाएँ दूर हो जाती हैं और आपको कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, बहुत जल्दी शादी के योग बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी और मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय गुरु जी।